नमस्कार दोस्तों, डिलीशियस फूड बाय रीना में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम सुपर टेस्टी वेज बर्गर बनाएंगे। ये इतना टेस्टी होता है कि आप बाहर से बर्गर मंगाना भूल जाएंगे और इसे बार बार बना के जरूर खाएंगे। तो आइए अब हम बर्गर बनाना शुरू करते हैं। बर्गर बनाने के लिए हम सबसे पहले टिक्की बनाएंगे। टिक्की बनाने के लिए वेजिटेबल्स को हमने बारीक बारीक काट लिया है। हम सबसे पहले वेजिटेबल्स को फ्राई करेंगे। इसके लिए पैन में हम थोड़ा सा बटर डालेंगे। बटर हमारा मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें 1 इंच अदरक क्रश करके डाल रहे हैं, साथ ही 1 टीस्पून फ्रेश लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं। कोशिश करें कि फ्रेश पेस्ट ही डालें। इसके बाद 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। दोस्तों अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो मिर्च पाउडर ज़्यादा भी डाल सकते हैं। सबको डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला देंगे। इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, थोड़ा सा मटर। हम फ्रोजन मटर का इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए हम इसे डायरेक्ट डाल रहे हैं। अगर आप फ्रेश मटर का इस्तेमाल करते हैं तो आप उसे थोड़ा पहले उबाल ले फिर इसमें डालें। वेजिटेबल्स में हम डाल रहे हैं 1 बारीक कटी हुई गाजर, थोड़ी सी बारीक कटी हुई बीन्स, थोड़ा लाल और हरा शिमला मिर्च। इन सबको डालकर अच्छे से मिला लेंगे। दोस्तों अगर आप इसमें और भी वेजिटेबल्स डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, या अगर आपको इसमें से कोई वेजिटेबल्स नहीं पसंद है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। सबको डालने के बाद हम 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, इसे हमें ड्राई ही फ्राई करना है। हमारे वेजिटेबल्स फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें 5 आलू डाल रहे हैं जिसे हमने पहले से ही मैश करके रखा हुआ है। आलू डालने के बाद हम सबको अच्छे से मिला लेंगे। उसके पश्चात हम इसमें डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून चावल का आटा। चावल का आटा हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि वो वेजिटेबल्स में पानी को अच्छे से सोख ले। इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। हमारा सब्जी तैयार हो चुका है। अब हम इसे एक बर्तन में निकालकर फ्रिज में 15 से 20 मिनट के लिए डाल देंगे ताकि हमारा टिक्की अच्छा बने और टूटे नहीं। जब तक हमारा वेजिटेबल्स ठंडा हो रहा है तब तक हम घोल और क्रम को तैयार कर लेते हैं। घोल बनाने के लिए हमने 2 टेबल स्पून मैदा और 2 टेबल स्पून आटा में 1 टीस्पून नमक डालने के बाद पानी मिलाकर पतला बैटर बना लिया है। दूसरे बोल में ब्रेड और पोहा को ड्राई पीस कर डाल रहे हैं, साथ में 1 टेबल स्पून मैदा, 1/2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डालकर सभी का सूखा मिश्रण तैयार करके रख लिया है। अब हम टिक्की बनाएंगे। टिक्की बनाने के लिए पहले एक बर्गर को बीच से काट लेंगे, फिर हम उसी बर्गर के साइज से आलू के टिक्की को बनाएंगे। टिक्की बनाने के लिए हम वेजिटेबल्स के बड़े बड़े बॉल बना लेंगे। टिक्की बनाने के कई तरीके हैं। आप चाहे तो इसे कटोरी से काट कर भी शेप दे सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका है आप गोले को हाथ से अपने बर्गर के साइज का बना लें। इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये देखिए दोस्तों, हमने इसे हथेलियों की सहायता से बर्गर के आकार का टिक्की बना लिया है। इसी तरीके से हम बचे हुए टिक्की को बना लेंगे। ये देखिए हमारा चारों टिक्की बनके तैयार हो चुका है। अब टिक्की को हम पहले बैटर में डालेंगे। टिक्की को एक हाथ से बैटर में डालेंगे तथा दूसरे हाथ से क्रम में हम टिक्की को इसलिए डालते हैं ताकि टिक्की की सारी नमी सोख ले और हमारा टिक्की क्रंची बनी रहे। इसी तरीके से हम सारे टिक्की को बना लेंगे। अब हम टिक्की को फ्राई करेंगे। टिक्की को फ्राई करने के लिए हम एक नए पैन में 1 टेबल स्पून तेल और थोड़ा सा बटर डाल रहे हैं। बटर जब हमारा मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें टिक्की को डालेंगे। टिक्की को हमें जल्दी नहीं पलटना है। जब यह नीचे से ब्राउन दिखने लगे तो इसे हल्के हाथ से पलट देना है। दोस्तों आप जो यह बटर में काला काला देख रहे हैं क्रम है, ब्रेड और पोहा का क्रम हुआ। जब आप फ्राई करेंगे तो थोड़ा नीचे गिरेगा ही। हमारा टिक्की अच्छे से पक चुका है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं और बचे हुए टिक्की को भी इसी तरीके से बना लेंगे। अब हम एक दूसरे पैन में थोड़ा बटर डालेंगे। बटर जब मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें बर्गर डाल देंगे तथा इसे मीडियम फ्लेम पर दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे।
हमारा बर्गर अच्छे से सिक चुका है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे और बचे हुए बर्गर को इसी तरीके से सेक लेंगे। अब हम बर्गर को बना लेते हैं। बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें डालेंगे मेयो। अगर आपके पास बर्गर मेयो नहीं है तो आप व्हाइट मेयोनेज में टोमेटो सॉस डालकर दोनों को मिक्स कर ले, आपका बर्गर मेयो तैयार हो जाएगा। अगर आपके पास लेटस का पत्ता है तो वो भी लगा सकते हैं। हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है तो हम इसके ऊपर डाल रहे हैं बारीक कटी हुई कैबेज। कैबेज ऐसे भी बहुत ही हेल्दी होता है। उसके बाद हम डालेंगे टोमेटो, फिर टिक्की, फिर स्लाइस चीज। चीज स्लाइस के ऊपर हम डालेंगे अनियन, फिर थोड़ा सा सॉल्ट। अगर आप चाहे तो अनियन को हल्का फ्राई करके भी डाल सकते हैं। अनियन के ऊपर हम डालेंगे फिर से थोड़ा बर्गर मेयो। लास्ट में बर्गर को ऊपर से डालकर इसे टूथपिक से पिन कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा लाजवाब बर्गर बनके तैयार हो चुका है। दोस्तों कोशिश करें कि इसे घर पे बनाएं और खाएं, बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट होता है। थैंक यू।